ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिरकार क्या कारण है कि लोग हमारा बुरा चाहते हैं, लोग हमसे जलते हैं और लोग हमारी जीवन यात्रा में, हमारे जीवन में कई सारे रोड़े और रुकावटें पैदा करते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया और हम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। इवन हमने तो लोगों की मदद की और इसके साथ साथ ही हमने हमेशा किसी भी व्यक्ति को बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, निस्वार्थ भाव से किया, लेकिन उसके बाद भी वही वो लोग भी हमारा बुरा चाहते हैं। आखिरकार ये वजह क्यों है? कई बार हमारा लोगों से विश्वास भी उठ जाता है और इस वजह से हमें कई बार तनाव और डिप्रेशन में भी जाना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जब अच्छा करता है और उसे वैसा परिणाम नहीं मिलता है तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसके पीछे जो रीजन है उनकी तो हम बात करेंगे ही सही, और इन्हें हम कैसे सही करें वो भी बहुत ज्यादा जरूरी जानना होगा। सबसे पहली और मुख्य बात है कि जब कभी भी आप कोई भी इस तरह की भावना हो आपसे जलने की, कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं पता होता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है कि हम अपने मन की, और हम बहुत भोले हैं, बहुत सरल हैं, तो अपने मन की बातें सबको साथ बहुत ही आसानी से शेयर कर देते हैं। ऐसा न करें। इस तरह से करने से हमारे बारे में सब कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में पता होती है और उस वजह से हमें ही बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ती है। दूसरी बात है, लोगों की मदद करें। बेशक आपकी मदद करने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, क्योंकि चीजों को समझने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी मदद करना भी है या नहीं है, या ये आपकी अच्छाई का मिसयूज कर रहे हैं, या आपके सामने थोड़ा सा अपनी परेशानी बताकर ये आपका मिसयूज कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अगर लोग आपसे जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आप उनसे बिल्कुल डरे नहीं, अपने मन में कोई भी इस तरह का वहम न रखें उनके प्रति, क्योंकि आप शिव के भक्त हैं, आपके पास इष्ट हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं, आप ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धावान हैं, और जो ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धावान है, कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये यकीन आपको अपने आप पर होना चाहिए। और मुख्य बात मैं बताऊं, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप यहां तक वीडियो को सुनते आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिख दे, और कोई भी तकलीफ से अभी गुजर रहे तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। और आखिरी और मुख्य बात है कि कुछ नहीं है फिर भी आप डर रहे हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय।